सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल जम्मू व्लॉगिंग वेंचर। जम्मू व्लॉगिंग वेंचर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं घर से यानी अपने घर से। गाइज, आज के व्लॉग में मैं आपको अपने होम का टूर कराने वाला हूँ, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन छोड़ दिया हमने ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। मैं आपको उसका होम टूर कराने वाला हूँ, प्लास्टर करके छोड़ा हुआ है। तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे व्लॉग में। मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ अपने अंडर कंस्ट्रक्शन वाले हाउस पे। पहुंच चुके हैं अंडर कंस्ट्रक्शन वाले हाउस पे। अब मैं आपको दिखाता हूं सीधा अपना हाउस। तो गाइस, ये रहा हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस, जिसको हमने आधा अधूरा छोड़ दिया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। हमारे पास फंड्स की कमी हो गई थी, इस करके हमने इसको आधा अधूरा छोड़ दिया था। अब मैं आपको कराता हूँ पूरे घर का हाउस। तो ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है, ये हमारी लॉबी है, ये लॉबी है, पूजा रूम, खिड़की, पाउडर वॉशरूम, किचन। ये हमारी किचन है, ये हमने ड्यूप्लेक्स टाइप इसको ओपन रखा है। ये स्टोर है, ये पूजा रूम, ये मास्टर बेडरूम, और वहाँ पे देखो तमोड़ियों का छत्ता भी बन चुका है। आपको दिख रहा होगा, वो देखिए, खाली घर होगा तो क्या होगा, ऐसा ही कुछ होता है खाली घर में। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है, वो पीछे की बालकनी है, ये ड्रेसिंग रूम है, और इसके पीछे एक वॉशरूम है। आइए ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको। ऊपर फोर बेडरूम्स हैं हमारे, एक रूम यहाँ पे हमारा देख सकते हैं आप। एक बेडरूम यहाँ पे हमारा, पीछे खेत खलियान, और सामने आपको जो है वो रेलवे का ट्रैक दिख रहा होगा, वो सामने यहाँ से ट्रेन जाती है। ये पीछे खेत खलियान है, बहुत ही अच्छी सीनरी दिखती है यहाँ से पीछे बैकग्राउंड की। यहाँ पे इसीलिए हमने ये बालकनी रखी है, ताकि बैठ के हम यहाँ पे एंजॉय कर सकें इस एनवायरनमेंट, इस ग्रीनरी को। ये भी हमारा एक रूम है, ये एक अटैच कॉमन वॉशरूम है। यहाँ से भी एंट्रेंस है, वहाँ से भी एंट्रेंस, यानी उस रूम से भी यहाँ सकते हैं, यहाँ से भी वहाँ जा सकते हैं। ये कॉमन वॉशरूम है हमारा, ये तो डुप्लेक्स टाइप बता ही दिया था मैंने आपको। एक रूम ये है हमारा, इसके साथ अटैच वॉशरूम है। पानी रुकता ना ऊपर, पानी रुकता ऊपर। एक रूम ये है हमारा, और इसके साथ ये अटैच वॉशरूम है, इसमें पानी रुकता है, इस करके यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो एक ये, ये रही हमारी बालकनी। ये कबूतर यहाँ पे पॉटी करते रहते हैं, भर दिया हुआ है पूरा कबूतरों ने। एक ये हमारी बालकनी है, पानी रुकता है यहाँ पे, पानी रुकने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे सीलन हो रहा है। चलिए आपको छत पे ले चलता हूँ।
बारिश की वजह से पूरा सीलन सीलन हो रहा है, जिसकी वजह से वो देखो वहाँ पे भी देखिए कमोडियो ने अपना घर बना लिया है, क्या ही करें। जब ऐसा घर पड़ा रहता तो ऐसा ही होता। फाइनली छत पे पहुंच गए हैं, ये देखिए। और कुछ आपको अच्छा ना लगे लगे, सीनरी बहुत प्यारी है यहाँ की, ये देखिए, ये देखने लायक है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ज़्यादा। और जब वहाँ सामने से ट्रेन जाती है ना तो और भी सुंदर लगता है। पानी रुकता ना उस करके ये इश्यूज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे भी पानी रुका पड़ा, यहाँ भी पानी रुका पड़ा, क्या करें, फंड्स की शॉर्टेज होने की वजह से हम ये काम पूरा नहीं कर पाए, वरना हमने छत पे तो टाइल्स डालनी थी, पर कुछ कह नहीं सकते गाइस, ऐसा ही रहता है, घर बनाना कोई आसान बात तो है नहीं, टफ रहता है। ठीक है गाइस, ये था हमारा घर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ा है। देखो पानी, मैं क्या बताऊँ आपको, देखो सीलन आपको मैं दिखा रहा हूँ, पानी टपक रहा है, लिटरली पानी टपक रहा है, ये पूरा छत खराब कर रहा है हमारा, पता है। तो यहाँ पे तो वैसे ही क्रैकेज आई थी शायद, या पानी रुका होगा उस करके, पूरा छत टपक रहा है यहाँ से, बहुत ही बुरी हालत है मकान की, बहुत ही बुरी हालत है। देखो ना ऊपर से ये कैसे टपक रहा है, देखो यहाँ पानी रुक रहा होगा ऊपर, तो टैंकी हो टैंकी, वो उसके ऊपर वो थड़ा जैसा बनाया, देखो तमुड़ियों ने इधर भी छत्ता बनाया, देखो तो मारने में पानी, ये पानी सारा रुक रहा है, ये देखो यहाँ रुक रहा है, ये छत की टाइ, ये देखो इधर से भी टपक रहा है, ये देखो आप कह रहे हो ना नीचे से जल आ रही है, ये देखो पानी ये सारा इधर आगे, देखो ये छत तो नहीं गिर जाएगा आगे से, ये देखो इधर कितना पानी है, वो देखो उधर रुका हुआ है, ये भी नीचे जा रहा है ना तो इसकी भी सीजल आ रही है। बहुत ही बुरी हालत है घर की, क्या करें, नहीं बनता यार, नहीं है पैसा इतना, क्या करें, चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, बहुत मेहनत से मैंने, बहुत मेहनत से ये घर बनाया था मैंने, बहुत अपना खून दिया हुआ है, हाँ सुराख नहीं किया है, मैं नीचे से सीढ़ी लेके आता हूँ ना, ठीक है मैं सीढ़ी लगा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, देखते हैं ऊपर क्या है, कोई नहीं ऐसे। ओहो बहुत बुरी हालत है, इधर जगह नहीं निकलेगी, पूरा भरा हुआ है अभी तो, ये पानी देखो गाइस कितनी बुरी हालत है, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है, उस टाइम हमने सोचा था इधर टाइल लगा देंगे तो कैसे बनेगा, देख रहे हो आप कितना बुरा हाल है यहाँ पे, देखो कितना बुरा हाल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये बरसात ऐसे लगी रही ना, सारा खराब हो जाएगा ये। अभी सीन ऐसा हो गया हुआ है कि मेरे तो बूट भी फट गए हैं, और ऊपर पानी निकालने गया था, जो माउंटी के ऊपर पानी था ना वो दिखाया मैंने आपको, वो निकालने गया था, निकल तो पाया नहीं एक्चुअली, उधर और काट कर दिया, काटनी थी ड्रेनेज वाली पाइप और काट दी मैंने, जो गैस की पाइप आती है ना ऊपर, मैंने वो काट दी, और मेरे बूट भी टूट गए यार उसमें, भी कटिंग कराने भी जाना था मुझे, वो भी नहीं करा पाऊंगा, आप बोलोगे मेरे सर पे तो बाल ही नहीं है, कटिंग क्या कराने जाऊंगा मैं भाई, सेटिंग तो करानी पड़ती है ना, बाल हो नहीं हो भाई, थोड़े बहुत तो है ना छोटे मोटे, तो अभी तो मैं वैसे भी गंजा हो गया हूँ, जब मेरे बाल थे तब तो मैं बहुत स्मार्ट दिखता था, तो बात ऐसी है कि बोर्ड भी फट गए और बड़ी मुश्किल से वो पानी निकाला, पानी क्या वो तोड़ा क्या, हल्की सी तोड़ी है, नुकसान तो हो ही गया है, पर चलो जब दोबारा टाइल टूल डलेगी छत पर तो वो सारा रिपेयरिंग सिस्टम रहता है वो करवाएंगे, उस टाइम पर करवाना ज़रूरी भी है भाई, करवाना ज़रूरी भी है, क्योंकि इतना मेहनत करके इतना पैसा लगा के जब आप इतना मकान खड़ा कर देते हैं ना, उसके बाद ना आप उसको, आपको उसको बेचने का मन करता है,
ना आपको उसको ऐसे छोड़ने का मन करता, आपको मन करता है कि आप उसको क्यों ना क्यों बना के वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे रहो, क्योंकि घर इतनी आसानी से नहीं बनता, बहुत मेहनत से बनता है, बहुत खून पसीना लगता है भाई साहब, बहुत खून पसीना, पैसा तो इतना लगता है कि आप पूछो भी ना, तो मैं क्या ही बताऊँ। अभी तो कुछ नहीं बोल सकता, अभी तो बहुत बुरे हालत हो चुकी है, कपड़े भी सारे गंदे हो चुके हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा घर पर। तो गाइज मैं आपको मिलता हूँ सीधा आप घर पर पहुँचने के बाद, ठीक है, ओके। तो गाइज अभी तो मैं घर पे आ गया, बहुत ही बुरी हालत हुई है, घर की हालत देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करें यार, सिचुएशन ही ऐसी बन गई है, लाइफ एक अलग ही मोड पे चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पैसे की शॉर्टेज हो गई, उस वजह से हमने अपना काम यहीं रोक दिया था घर का, पर चलो दिन एक जैसे नहीं रहते, भगवान ने चाहा तो फिर से सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा और हमारे घर का काम फिर से शुरू हो जाएगा, होप सो हम इस घर को अच्छा बना देंगे। चलो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ गाइस, होप सो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे नए ब्लॉग में।